यहाँ पे देखिए बहुत सारे गंदे बर्तन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पूरा ऑयल आपको दिख रहा होगा, ये हम इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से है, और आपको मैंने बर्तन दिखाए थे जैसे ग्लास। देखिए जो मशीन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे डिश वॉशर मशीन, वो है बोल्टास बिको। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको चाहिए इस मशीन के लिए। एक तो आपको जरूरत पड़ेगी सॉल्ट की, ये है 2 kg सॉल्ट, और ये आपको पड़ेगा 385 रुपीज का, और ये सॉल्ट है फिनिश का। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं पीछे इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप बॉस या साइमन, हम बिको का यूज कर रहे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिको है, बोल्टास बिको, तो ये सॉल्ट उस पर यूज होता है। ओके, दूसरी चीज है रिनजेड। रिनजेड ये है 400 ml का, और ये आपको पड़ेगा 320 रुपए का रिनजेड। और ये तीसरा है पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर आप इसको बोल सकते हैं, ये है 448 रुपीज का 1 kg का। अब आपको बताता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसको ओपन करना होगा, मशीन को अपनी इस तरह से ओपन होती है, और यहाँ पे रैक्स देख सकते हैं आप। अगर आपने इसका कनेक्शन का, अगर आपने नया लिया हुआ या नया आप लेने वाले हैं, तो इसका कनेक्शन कैसे करना है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे इसको सेट करना है। आप इसको पूरा बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे आपको शॉर्ट डालना है, इस तरह से आपको खोलना है, और इसके साथ आपको एक ये इस तरह से मिलेगा, इसको आपने यहां पे लगाना है, और इसमें आपने सॉल्ट फिल कर लेना है। इसमें सॉल्ट डालना है, और यहां पे जो है ये आपको दिख रहा है कैप, इसको ओपन करके इसमें आपने डालना है रिनजेड। रिनजेड आपने यहां पे डालना है, और यहां पे आपने डालना है ये पाउडर। ये तीनों चीजें डालने के बाद, और आपको ये इंडिकेट भी करेगा, अभी ये एम्प्टी है, मैंने इसको पूरा एम्प्टी किया हुआ है, तो आपको यहां पे आप देख सकते हैं सॉल्ट या रिनजेड का ही दिखाएगा आपका कितना है, रेड आ रहा है, और जब फुल हो जाएगा तो यहां पे इस तरह से ब्लू हो जाएगा। तो अभी एम्प्टी है, पहले हम इसको फुल कर लेते हैं। तो चलिए इसमें मैं ये रिनजेड डाल लेता हूं पहले, इस तरह से आप इसमें ये रिनजेड को ऐड करना है आपने, उसके बाद आपने इस कैप को यहां पे लगा देना है, और यहां पे आपने डालना है पाउडर। तो ये है अपना पाउडर, उसके बाद आपने इसको इस तरह से बंद कर देना है। अब हम डालेंगे वहां पे सॉल्ट, इसको पहले हम पूरा बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों को आप बाहर निकाल सकते हो, इसमें आपको कोई भी बर्तन रखना है, इसमें कटलरी वगैरह, स्पून वगैरह, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। और मैं आपको इसका सॉल्ट दिखा देता हूं, ये देखिए ये टेबल सॉल्ट नहीं होता है, ये आप देखिए बहुत बड़े बड़े दाने हैं, तो आप इसको दूसरा, इस मशीन में आप टेबल सॉल्ट मतलब जो खाने में आप यूज करते हैं उस सॉल्ट को यूज नहीं कर सकते हैं, इसी का आपको यूज करना है। इसमें आप देखेंगे जिस भी कंपनी का डिश वॉशर आप यूज करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, जैसे बिको का हम यूज कर रहे हैं तो ये देखिए, या फिर आप साइमन बॉस जिसकी मशीन आप यूज कर रहे हैं, ये आप इसको 6 मशीन में यूज कर सकते हो। तो ये देखिए आप यहाँ पे अपना सॉल्ट अभी इसमें चला गया है, उसके बाद हम इसकी कैप को बंद कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे गंदे बर्तन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पूरा ऑयल आपको दिख रहा होगा, ये हम इसके अंदर डालेंगे, और बाकी इसमें दाल वगैरह बनाई थी अंदर से, ये प्रेशर कुकर बहुत गंदा है, चाय बनाई थी इसमें, और बाकी जैसे आप ये देख सकते हैं इसका ढक्कन कितना गंदा हुआ है प्रेशर कुकर का, ये सब हम इस मशीन के अंदर डालने वाले हैं। स्टील के बर्तनों के साथ हम ये प्लास्टिक की प्लेट्स, ग्लास और ये सेरामिक के बर्तन भी इसमें धुलेंगे। और इसमें आप देखेंगे इसमें 6 मोड हैं, पहला है इंटेंसिव, ये है 2 घंटा 40 मिनट, नॉर्मल है 2.5 घंटा, उसके बाद इको है 3 घंटा 5 मिनट, ग्लास क्लियर है 1 घंटा 35 मिनट, क्लीन एंड साइन 1 घंटा 30 मिनट,
और मिनी, अभी हम मिनी में चलाएंगे सिर्फ 35 मिनट वाला। तो आपने जैसे टाइम सेट कर लिया, उसके बाद आपने इसको स्टार्ट कर लेना है यहाँ से। तो अभी मशीन चालू हो गई है। और यहाँ पे आप देखते हैं जैसे कि 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी मशीन चल रही है। आप आवाज़ सुन सकते हैं यहाँ पे, आपको पास ले जाकर देखता हूँ। ये बहुत कम आवाज़ करता है और पावर भी बहुत कम लेता है। तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, जैसे वॉशिंग मशीन देखी होंगी आपने, बहुत सारी बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, तो ऐसा आवाज़ भी नहीं करता ज़्यादा। बहुत कम आवाज़ और पावर भी बहुत कम है इसका। तो चलिए थोड़ी देर बाद देखते हैं, अभी 33 मिनट्स और हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए फिनिश के, जैसे पाउडर हो गया या फिर सॉल्ट हो गया या इसका रिंजेड हो गया, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इसको सेपरेट खरीदना चाहते हो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप कंबाइन ये पूरा एक साथ लेना चाहते हैं, कंबाइन लेने में थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको। अगर आप अलग अलग लेंगे तो आपको थोड़ा सा 1200 के आसपास आपको ये लेने पड़ेंगे। अगर आप एक साथ तीनों को लेते हैं तो आपको 1000 रुपये के तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मशीन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए अभी ये कंप्लीट हो गया इसका साइकिल। टाइम आप देख पा रहे हैं 0:00 हुआ है और इंड लिखा हुआ गया और ये साउंड देगा टू 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 करके। तो चलिए अभी ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर पूरा धुआं रहेगा, ये देखो अब बर्तन पूरे आपके गर्म रहेंगे। ये देख सकते हैं आप, कोई भी बर्तन आप टच कर लो काफ़ी गर्म रहेगा, बहुत देर तक आप उसको छू नहीं सकते हैं। और ये देखो जैसे ग्लास चमक, देखो ग्लास के अंदर ये पूरा साफ हो गया है। ये सेरामिक का कप देखिए आप, ये देखिए स्टील की थाली चमक रही होगी, बिल्कुल सब साफ हो गया बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए थोड़ा कटलरीज वगैरह हैं, जैसे स्पून ये देखिए आप, और ये ऊपर वाले सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ग्लास हैं, ये ग्लास देखिए आप पूरा साफ हो गया। एक्चुअली मैंने इसको गलत डाल दिया था, इसको ऐसे अपसाइड डाउन डालना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें ये ढंग से ड्राई नहीं हुआ, अदरवाइज पूरा ग्लास ड्राई होकर बाहर निकलता है। दूसरा भी ऐसे ही है, इसको भी मैंने गलत डाल दिया था। इसको इस तरह से आपको डालना पड़ता है उल्टा। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें भी पानी है और साफ तो हो गया अच्छे से, जैसे ये देख रहे होंगे आप, ये बर्तन है ये पूरा चमक के साफ हो गया। अब यहाँ पे नीचे देखिए, जैसे चाय का मैंने डाला था ये साफ नहीं हुआ, क्योंकि आप देखो बहुत गंदा है अंदर से। इसलिए गंदा है क्योंकि बहुत देर से रखा हुआ था, इसमें पानी भी नहीं था। अगर आपने पानी डाल के अगर इसको रखा है बहुत देर से तो उसके बाद तो साफ हो जाएगा इसमें, लेकिन ये बहुत हार्ड है इसलिए इसको थोड़ा घिसना पड़ेगा, ये इसमें साफ नहीं हो सकता है। वैसे ही आप जैसे मैंने कुकर बताया था आपको, ये प्रेशर कुकर का ढक्कन, ये तो साफ हो गया बाहर भारी, लेकिन ये अंदर आप देख पा रहे हैं कुछ कुछ मतलब पुराना दाग हुआ, इसको आपको इसमें साफ नहीं हो पाएगा, इसको अच्छे से साफ करना है। अगर आपको इसको भी इसी में मशीन में साफ करना है तो इसके लिए आपको टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको 2.5 घंटा 3 घंटा इसमें रखना पड़ेगा मशीन में, तब ये साफ होगा। अगर 35 मिनट मिनी वॉश में आपका ये साफ नहीं होगा। अब देखते हैं प्रेशर कुकर, तो कुकर देखिए आप, ये भी पूरा अंदर से तो पूरा साफ हो गया है, ये देखिए। बाकी प्लेट्स वगैरह तो साफ है ही। सारे बर्तन निकालने के बाद, उसके बाद जो आपकी गंदगी फंसी होगी वो इस नेट में फंसी रहती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको आपने बाहर निकालना है और इसको आप वॉश कर सकते हैं। वैसे थोड़ा बहुत इसमें फंसा होता है, ज़्यादा नहीं, वैसे तो सब निकल जाता है यहाँ से ड्रेन से। और यहाँ पे मैंने पहले आपका दिखाया था ये सॉल्ट का है, और इसके अंदर ये वॉश कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक फ़ैन लगी होती है, दो फैन, ये देखिए आप, ये जो फैन है इनके अंदर छेद बने हुए हैं और यहाँ से पानी निकलता है, ये देखिए आप जो छेद बना है, इनसे प्रेशर से पानी निकलता है और ये घूमते रहता है इस तरह से, तो उसी से बर्तन साफ होते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, जो हमने सॉल्ट डाला था वो आप एक बार इसको फुल करके देख लो, ये देखो आपको अंदर दिख रहा होगा सॉल्ट वाइट वाइट सा, तो ये सॉल्ट अभी आपका चलेगा। और यहाँ पे जो हमने पाउडर डाला था, पाउडर भी पूरा एक टाइम पे यूज नहीं होता है, आपको इसको पहले एक बार फुल कर लेना होता है। ये देखो पाउडर इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन जो रिंजेड हमने इसमें डाला था वो हम आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये इसमें दिखेगा नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक आप देख रहे हैं, अगर ये जब फुल आप भर लेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा ये, तो रिंजेड तो दिखेगा नहीं इसके अंदर। इस मशीन को कैसे इंस्टॉल करना है घर पे, कैसे आपको घर पे इसको लगवाना है, उसका कंप्लीट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये मशीन घर पे सेटअप कैसे करना है। फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कोने में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से फ्रेश वाटर निकलता है, ठीक है, यहाँ से मशीन के अंदर फ्रेश वाटर जाएगा और ये जो पाइप है वो मशीन के पीछे लगी होती है, और इसी के पीछे एक पाइप है ड्रेनेज का,
तो पाइप आपको छोड़ना पड़ेगा, इसके नीचे होता है बैक साइड में ड्रेनेज का पाइप, जहां से पूरा गंदा पानी बाहर जाता है। छोटा सा रिव्यू था बर्तन धोने की मशीन का, वोल्टास विगो डिशवॉशर का। तो आप मुझे बताना है वीडियो कैसी लगी आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।